आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको बैटरी का सरणी संयोजन करना सिखाएंगे। बैटरी का सरणी संयोजन किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है? बैटरी का संयोजन वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक संयोजन होता है समांतर संयोजन, एक होता है मिश्री संयोजन। समांतर संयोजन करंट का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है, मिश्रित संयोजन करंट और वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पहले अपन इस प्रैक्टिकल में करेंगे बैटरी का सरणी संयोजन। अब सरणी संयोजन करने के लिए बैटरी के एक बैटरी लेनी है, उसके साथ दूसरी बैटरी लेनी। आप सरणी क्रम में एक से अधिक कई बैटरी जोड़ सकते हैं। अब एक नंबर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को पहचानना है और दो नंबर बैटरी की क्या करना है आपको, टर्मिनल पहचानना है। एक नंबर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव वायर निकालना है, नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। वो मैं आपको सर्किट डायग्राम में बता देता हूँ किस प्रकार आपको जोड़ना है। प्रैक्टिकल है अपना बैटरियों का, बैटरी का सरणी संयोजन। आपके पास तीन बैटरी हैं और प्रत्येक बैटरी में क्या होता है, दो दो संयोजन पॉइंट निकले होते हैं। प्रत्येक बैटरी में कनेक्शन के लिए दो संयोजन पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तीनों में एक पॉजिटिव रहेगा, तीनों में अलग अलग, एक तो रहेगा पॉजिटिव और एक रहेगा नेगेटिव। अब सरणी क्रम में संयोजन कैसे करना आपको, ये एक नंबर बैटरी है, ये दो नंबर बैटरी है, ये तीन नंबर बैटरी, ठीक है। अब एक नंबर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको कनेक्शन के लिए छोड़ देना है, दो नंबर नेगेटिव टर्मिनल दो नंबर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, दो नंबर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तीन नंबर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और तीन नंबर बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको कनेक्शन के लिए बाहर निकाल देना है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब बैटरी की रेटिंग क्या है, 12 वोल्ट, प्रत्येक की 12 वोल्ट। अब इन तीनों के कितनी वोल्टेज हो गई, 36 वोल्टेज हो गई। तीनों का वोल्टेज जुड़ जाएगा और वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए ही बैटरी को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम, ठीक है। आ गया समझ में, इस प्रकार आपको जोड़ना। अब देखना आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पहली बात तो उस पर लिखा होता है, ठीक है। अगर लिखा नहीं होता है, मिट जाता है लिखा हुआ, तो कुछ बैटरी तो ऐसी आती हैं कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल तो होता है छोटा और एक होता है बड़ा। तो अगर इस कंडीशन में बैटरी मिल जाए तो बड़ा टर्मिनल तो नेगेटिव होता है, छोटा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर समान साइज में मिल जाए आपको कि उसमें छोटा बड़ा में कोई अंतर नहीं है, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर से क्या करना आपको, डीसी वोल्टेज पे सेट कर लेना उसको, मल्टीमीटर को दो वायर निकलते हैं मल्टीमीटर से, एक को इस टर्मिनल पे लगाना एक इस टर्मिनल, ये पॉजिटिव है मान लेते हैं, ये नेगेटिव। अगर सही कंडीशन में लगेगा तो मल्टीमीटर में कोई प्रकार का कोई सिंबल नहीं आएगा और वोल्टेज का मान जितना भी होगा वो दर्शा देगा। अगर आपको उल्टा लगा दिया इसको, ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ जाएगा, नेगेटिव तो कोई सिंबल नहीं आएगा। अगर इसको अपन विपरीत कर देते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देंगे, तो वोल्टेज का मान भी दर्शाएगा लेकिन उसमें माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। तो इस सिंबल से पहचान करके भी आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगा सकते हैं। तो अपन मल्टीमीटर से भी देख लेंगे और वैसे इन पे लिखा हुआ भी, ठीक है। चलते हैं, तो इस पर टर्मिनल पर लिखा हुआ है, देखो इधर ये पॉजिटिव सिंबल है और ये नेगेटिव,
आगे वाला नेगेटिव, तो इस पर पता लग रहा है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अगर इस पर मिटा हो तो मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर देना हो किधर, मल्टीमीटर लेना आप, और किस पे सेट करना मल्टीमीटर को, डीसी वोल्टेज पर यहां सेट करना। अब मल्टीमीटर का ये तो पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव, तो मैं पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा देता हूं, नेगेटिव को नेगेटिव पर, तो देखना कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें, डीसी वोल्टेज पे करो इसको सेट, 12.5 वोल्ट, कोई साइन नहीं आ रहा है। अब मैं इसको विपरीत जोड़ दूंगा तो देखना इस पे साइन आ जाएगा माइनस का, आ गया ना, तो ये विपरीत जुड़ गया कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लग गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो आपको इस प्रकार तरीका पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगाना है, ठीक है। अब प्रत्येक बैटरी को आपको लगा लेना है, अब इसमें पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, उस पर भी लिखा हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनका संयोजन करना आपको, एक नंबर बैटरी कौन सी है, ये है, एक नंबर बैटरी का वोल्टेज मापो, कितना वोल्टेज आ रहा है, 12.5। दो नंबर बैटरी का कितना आ रहा है, 12.9 वोल्ट, लिखो 12.5, 12.9 और तीन नंबर का माप लो उधर से, 8 है ना, 12.8। अब कितना आ रहा है इसमें, 38.2 वोल्ट आ रहा है टोटल, ठीक है। अब इसका श्रेणी संयोजन करो और वोल्टेज का मापन करना आपको, ठीक है। अब देखो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव एक साइड में है, अब करना आपको एक बैटरी को विपरीत कर दो आप, ठीक है, नहीं वैसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव जोड़ दिया, अरे वो तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सही है इसका कनेक्शन, यहां से इसको पॉजिटिव में जोड़ दो और इसको नेगेटिव में जोड़ दो, ये तो नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो इसको, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से करना है। अब ये तो पॉजिटिव हो गया और वो नेगेटिव हो गया उधर से, इन दोनों के मध्य क्या मापना आपको, वोल्टेज, हो गया। अब ये तो निकल गया पॉजिटिव और वो निकल गया नेगेटिव, इसका वोल्टेज मापो कितना आ रहा है, बहुत बड़ा है, 38.4 आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये एक दो तो मान बढ़ रहा था ना, कभी 8 हो रहा था कभी 9 हो रहा था, उस वजह से 38.4 वोल्ट अपना मान सही आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, बैटरी का संयोजन सीरीज क्रम में क्यों किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। अब इसका यूज अपन तीन बैटरी क्यों लगाते हैं वो आपको मैं, बैटरी और इन्वर्टर का चयन कैसे करते हैं, घर के लोड के लिए या कोई इंडस्ट्री लोड के लिए या कोई दुकान के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री में बड़ी मशीनें तो इसे चलती नहीं, अपन या तो दुकान में लेते हैं या कोई घर में लेते हैं, इमरजेंसी लाइट के लिए, इमरजेंसी लाइट में अपने इन्वर्टर यूज लेते हैं। तो इन्वर्टर का चयन क्यों कैसे करें कि कितना वी एम्पियर का लेना है, वोल्टेज एम्पियर का अपने को इन्वर्टर की आवश्यकता है, कितनी एयर क्षमता की बैटरी चाहिए, वो अपने अगले प्रैक्टिकल में बताएंगे आपको, है ना। अब ये श्रेणी संयोजन समझ में आ गया, इसके बाद में अगला प्रैक्टिकल होगा अपना बैटरी का समांतर संयोजन। थैंक यू, धन्यवाद।